अस्सलाम वालेकुम। पेनियर के अंदर हम डायरेक्टली पैसे ऐड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पूरे 5 मेथड ऐसे लेकर आया हूँ जिनके थ्रू आप पेनियर के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं पाकिस्तान से। इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि इनमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा जब सारी चीज़ों के अकाउंट्स वगैरह बन जाएंगे आपके लिए फिर आसानी नहीं होगी, फिर चीज़ें फ्लो के अंदर आ जाएंगी। और ये सारा काम आपने किस तरह से करना है मैं पूरे 5 तरीके बताऊंगा आपके लिए, जो तरीका बेस्ट आपको लगे आपने उस तरीके से कर लेने हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और प्रिफरेबल मेथड है वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो मेथड ये है कि आपने अपने बाइनांस का अकाउंट आपने कभी सुना होगा या फिर आपका अकाउंट होगा, तो आपने पहले पैसे जो है बाइनांस के अंदर ऐड करने हैं। बाइनांस से आपने वाइज के अंदर ट्रांसफ़र कर लेने हैं और वाइज से पेनियर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और एक मेथड ये होता है कि डायरेक्टली आपने वाइज के अंदर ऐड करने हैं और वाई से भी डायरेक्टली आप पेनियर के अंदर भेज सकते हैं। एक ये हो गया और इसी के अंदर ही मजीद एक मेथड आता है कि आजकल जो वाइज के अकाउंट बन रहे हैं, मैंने रिसेंटली इस टॉपिक में वीडियो भी बनाई है कि उसके अंदर हमें कंप्लीट करेंसी अकाउंट नहीं मिल रहा होता वाइज का, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्योंकि अभी भी वाइज का जो हमारा अकाउंट बन रहा है कुछ स्टेप्स के अंदर बहुत ही जल्द बन जाता है, उसके अंदर हमें जो अकाउंट मिलता है उसके अंदर हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डायरेक्टली डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करते हुए डायरेक्टली पेनियर के अंदर पैसे भेज सकते हैं वाइज को यूज़ करते हुए। तो वैसे इसके रिलेटेड जो वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आपने किस टॉपिक के लिए कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर हम बाइनांस के अंदर जब पैसे ऐड करेंगे, बाइनांस के अंदर आप यहाँ से इसी पैसा वाला मेथड पड़ा है और यहाँ पर एनी पाकिस्तानी बैंक, तो इसके लिए आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, बाइनांस बाइनांस रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट। आपने इस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ये वाली 2 वीडियो देख लेनी है। इसके अलावा इन वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी आप इजी पैसा के जरिए कर लें या पाकिस्तानी बैंक के जरिए, मेथड दोनों सेम ही है, कोई आप एक वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ से बाइनांस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पैसे आ गए, अभी बाइनांस से हमने वाइज के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, तो हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना है वाइज वाली के अंदर और इसके ऊपर आपको मेथड मिल जाएगा बाइनांस टू वाइज का, यानी कि इस वीडियो को आप देखकर बाइनांस टू वाइज के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसके जब वाइज के अंदर पैसे पहुंच गए, वाइज से जब आप पेनियर के अंदर आप ट्रांसफ़र करने हैं तो आप पेनियर वाली प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको लाजमी ये मिल जाएगा कि आपने अपने वाइज अकाउंट से पेनियर के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपने ये वाली सिर्फ 3 वीडियोस देखनी है और आपके पैसे पेनियर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली वाइज के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वाइज वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस पर भी काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे, हमने वाइज के अंदर किस तरह से पैसे डिपॉजिट करने हैं। वाइज के अंदर जब डिपॉजिट हो गए तो वहाँ से आप पेनियर पर भेज सकते हैं पेनियर वाली वीडियो देख के। तो होपफुली आपको मेथड नंबर 1 तो समझ आ गया होगा कि अगर हमने इसके अंदर कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि आपको कितनी तरह के अकाउंट चाहिए, अगर ऑलरेडी आपकी ये अकाउंट है फिर तो आपके लिए काफ़ी आसानी है, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट दोबारा से बनाने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल वगैरह करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बात अभी से क्लियर बता दूं कि कोई भी मेथड इतना अच्छा नहीं है कि हमें गूगल रेट पर एक्सचेंज रेट मिल रहा हो, एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट सब मेथड के अंदर ही हाई मिल रहा होगा। अच्छा, पहला मेथड तो हमारा ये हो गया कि हमने अपने इन तरीकों के साथ, यानी कि अपने बाइनांस के थ्रू या फिर डायरेक्ट वाइज के थ्रू हमने पैसे डिपॉजिट करने हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो वाइज ही है, यानी कि हमने वाइज के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। पहला मेथड तो हमारा ये हो गया पेनियर के अंदर पैसे डिपॉजिट करने का, सबसे मेन मेथड यही था। अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 ये है कि आप किसी भी फिजिकल एक्सचेंजर के जरिए, इस वक्त फिजिकल एक्सचेंजर जो दूसरे कंट्रीज के अंदर पैसे भेज देते हैं उसके अंदर मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन और रावी एक्सचेंज, ये 3 मशहूर हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने अपनी रिसर्च में या फिर जो मुझे मेरे जहन में आए ये सिर्फ 3 ही आए हैं। अब इनके थ्रू भी पैसे अपने पेनियर के अंदर भेज सकते हैं, किस तरह से भेज सकते हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। आपने उनको कौन से अकाउंट की डिटेल देनी है यही जाहिर सी बात है मैंने दिखाना है। तो यहाँ से हमने पेनियर के होम स्क्रीन पर आ जाना है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आ सकते हैं, मोबाइल में भी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। यहाँ से हमने गेट पेड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो अकाउंट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अगर आपका अकाउंट ना हो तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट अकाउंट्स करके नया अकाउंट भी ले सकते हैं, सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर ही आपको एक नया अकाउंट मिल जाता है। यहाँ से आपने ये GBP फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, GBP आप ट्राई कीजिए क्योंकि USD है जो आपको पता है थोड़ा मुश्किल मिलता है पाकिस्तान के अंदर, GBP इतना मुश्किल नहीं है जितना USD है। तो हमने इस डिटेल के ऊपर यहाँ पर ही हमें ये वाली जो डिटेल मिलेगी हमने ये डिटेल यहाँ से कॉपी करनी है और इस डिटेल को उनके पास लेकर चला जाना है एक्सचेंजर्स के पास। लेकिन इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि वो आपके ही नेम पर ना हो, क्योंकि
वो जो रिसीवर का नेम वगैरह और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी पूछते हैं और सेंडर का भी पूछते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने किसी भाई वगैरह के अकाउंट नाम पे पेनियर बना लें, या फिर आप अपने भाई का ही CNS वगैरह दें कि ये बंदा भेज रहा है और रिसीवर आप होंगे, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी उनको दे दीजिएगा कि इसके अकाउंट में जा रहे हैं। उनको ये नहीं बताना कि आपने पेनियर के अकाउंट में जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आप डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी मैंशन नहीं है कि ये पेनियर का अकाउंट है, क्योंकि हमें पेनियर इसी टाइप का अकाउंट दे रहा होता है। बैंक नेम देखिए क्या है, बार्कलेज शॉर्ट कोड दे दिया है, अकाउंट नंबर दे दिया है, यही वाली इंफॉर्मेशन उनको पैसे ट्रांसफर करने के लिए चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन या रावी एक्सचेंज वालों के पास जाके भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सचेंज रेट अगेन से बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा वो टैक्स वगैरह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर डॉलर 280 रह गया है तो वो कम से कम भी वो 310-15 रुपये तक का एक डॉलर हमें देंगे, काफ़ी महंगा हमें डॉलर पड़ेगा। तो ये भी ये मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, इतना पूरा मेथड नहीं है, अच्छा मेथड है, क्योंकि आप इसके अंदर फिजिकली उनको पैसे दे रहे होंगे, फिजिकली आपको रिसीव हो रहे होंगे, सारा कुछ फिजिकली ऑलमोस्ट चीज़ें हो रही होंगी, तो आप इस पे ज़्यादा सर्टिफिकेशन आप दिखा सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 ये है कि कुछ ऑनलाइन एक्सचेंज की एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप पैसे इसके अंदर भेज सकते हैं, जिसके अंदर स्क्रिल, नेटलर ये दो मेन है, वाइज VC में मैं काउंट करूंगा। वाइज के जो पहले मेथड थे वो अलग थे, ये वाला अलग है। इसके अंदर ये होता है कि हमें वाइज का एक अकाउंट मिल जाता है, आपको पता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अकाउंट बन रहा है वो तो बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट होता है, उसके अंदर करेंसी वगैरह खुद की नहीं होती, लेकिन आप अभी भी अपने वाइज के थ्रू किसी दूसरे कंट्री के अंदर पैसे भेज सकते हैं। आपने कैसे भेजने होते हैं, आपने सिंपली सेंड मनी के ऊपर, वहाँ से मिल जाता है आप ऑप्शन, आपको सेंड मनी के ऊपर क्लिक करना होता है और आपसे वो इन्फॉर्मेशन वगैरह यही वाले अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मांगता है। यहाँ पर ये जो दी गई है, आप GBP या USD की डिटेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से USD की डिटेल भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये USD की डिटेल भी मिल चुकी है आपने। वैसे इस टॉपिक पर वीडियो भी है कि वाइज से आपने किस तरह से पैसे भेजने हैं, वो भी यहाँ से वाइज वाली प्लेलिस्ट के अंदर या फिर पेनियर वाली, दोनों प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो में मिल जाएगी। उसके अलावा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने अपने वॉइस का यूज करते हुए इस डिटेल पे पैसे भेज देने हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्रील या नेटलर के थ्रू भेज रहे हैं तो वो उसके अंदर भी आप इन्हीं डिटेल्स को यूज करते हुए पैसे भेज सकते हैं। ये हो गया मेथड नंबर 3। जो हमारा मेथड नंबर 4 है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है, इससे अच्छा एक्सचेंज रेट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इस मेथड के अंदर सीन कुछ इस तरह से होता है कि आपने अपने करीब कोई इलाके के अंदर इलाका छोड़े, कोई दोस्त हो, कोई ऑनलाइन में कुछ जानने वाला, फिजिकली भी जिसको जानते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा दोस्त ढूंढना है जो के ऑनलाइन वर्क कर रहा हो। ऑनलाइन वर्क किस टाइप का हो सकता है, टिकटॉक पे लाइव का काम कर रहा हो, ठीक है, टिकटॉक लाइव से लोग पैसे कमाते हैं और उनकी जो पे आउट है वो पेनियर के अंदर ही आते हैं, एक बंदा ये हो गया। इसके अलावा जो मोस्टली अमेजोन पे जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पेनियर के ऊपर पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो गया जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन वर्क, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऑनलाइन वर्क में दुनिया में छठे नंबर पे है, तो इस तरह के बंदे ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाएंगे तो यकीन करें आपको 99% स्कैमर ही मिलेंगे, आप फ्रॉड करवा बैठेंगे। तो इसलिए उन सब बचने के लिए आपने जो बंदे मैंने आपको बताए हैं, इस तरह के ट्रस्टेड बंदे ढूंढने हैं, ये बंदे आपको अच्छा एक्सचेंज रेट दे सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जब हम फॉर एग्जांपल इस वक्त डॉलर का रेट 280 चल रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी बैंक के ऊपर जब विड्रॉ लेंगे तो विड्रॉ हमें मिल रहा होगा 277-278, यानी कि गूगल एक्सचेंज रेट से भी हमें कम मिल रहा होगा अभी, यानी कि हमने इस टाइप के बंदे ढूंढने हैं। तो ऐसे लोग आपको 283-284 तक का डॉलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 280 का डॉलर है, हमारा जो ओरिजिन है यही है, आपने इस बात को जहन में रखना है। होपफुली आपको इस मेथड की भी समझ आ गई होगी कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी जो पांचवा मेथड है, वो पांचवा मेथड आप शायद फजूली इसको समझें, लेकिन वो मेथड ये है कि आप मुझसे पेनियर का डॉलर बाय कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी ना रखना कि मैं कोई बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक्सचेंज रेट दे दूंगा, कोई ऐसा एक्सचेंज रेट दूंगा गूगल से भी नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आगे सेलर से बाय करना होता है। तो वैसे मैं पहले भी ये काम कर रहा हूँ, अब वैसे फेसबुक का मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरे कुछ ना कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करके, उसका एडमिन मैं ही हूँ, आपने एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करना, यानी कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं आप, और वहाँ से आप डॉलर मुझसे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। मैं ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई बहुत ही अच्छा एक्सचेंज रेट मैं नहीं देता, मैं एक नॉर्मल सा एक्सचेंज रेट देता हूँ, मार्जिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, क्योंकि इतना टाइम और मेहनत देनी होती है।
तो होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतना अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं दे होने वाला। लेकिन अगर आप वैसे ही कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट बैंक्स वगैरह से और इन जो एक्सचेंज रेट वगैरह जितने भी हैं, ये सबसे बेहतर एक्सचेंज रेट दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो आज की वीडियो में मैं ये आपसे यही वाले 5 मेथड शेयर करना चाहता था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।